नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टेक्निकल गार्डनिंग विद अभी में। दोस्तों, फरवरी का महीना स्टार्ट हो गया है और हम सब समर गार्डनिंग की तरफ आगे बढ़ने लगे हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो का टॉपिक यही होगा कि इस महीने में वो कौन कौन सी वेजिटेबल्स हैं जिन्हें हम अपने छत पर गमलों में ग्रो कर सकते हैं, जिनकी कि हमें सीडलिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए ताकि हमें समर की जो वेजिटेबल्स हैं वो लेट ना हो हम उसमें। तो दोस्तों, वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। कुछ हम 20 ऐसी वेजिटेबल्स के बारे में बात करेंगे जिन्हें आप फरवरी मंथ में अपने छत पर गमलों में उगा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हम करते हैं दोस्तों सबसे पहले टमाटर के पौधे से। आप टमाटर, चूँकि पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि आप टमाटर को आप 12 महीने उगा सकते हैं, तो फरवरी के मंथ में आप टमाटर सीडलिंग्स लगा दीजिए। अभी जो आपके टमाटर हैं उनमें फ्रूटिंग आ रही हैं और उनकी फ्रूटिंग ख़त्म होने से पहले ही आपके नए टमाटर के पौधे तैयार हो जाएं, तो आप टमाटर की सीड्स लगाना शुरू कर दीजिए। जैसे कि मैंने भी लगा दिए हैं, मैंने आपको दिखाया भी। तो टमाटर के सीड्स आप लगा दीजिए, 15 से 20 दिन में वो ट्रांसप्लांट के लायक हो जाएंगे, फिर उन्हें आप ट्रांसप्लांट कीजिए। टमाटर के लिए आपको 12 बाय 12 का ग्रो बैग सफिशियंट है। देखिए, मेरे ग्रो बैग्स जो खाली हो गए हैं, इनमें मैं टमाटर की सीडलिंग्स मैंने डाल दी हैं और ये जब तक मेरे टमाटर के पौधे ये ख़त्म होंगे, 90 दिन में टमाटर आपको हार्वेस्ट करने को मिलने लग जाएगा। तो आप टमाटर लगा सकते हैं। उसके बाद दूसरा दोस्तों जो पौधा है वो है बैंगन। आप बैंगन भी साल के 12 महीने उगा सकते हैं और अभी बेस्ट टाइम है कि जब तक आपका ये पुराना बैंगन का पौधा ख़राब हो, इसकी फ्रूटिंग ख़त्म हो, तब तक आपके नए पौधे तैयार हो जाएं। तो आप बैंगन की सीडलिंग्स भी डाल दीजिए। बैंगन के लिए आप 15 बाई 15 इंच का ग्रो बैग रखते हैं तो आपको ज़्यादा फ्रूट्स तोड़ने को, हार्वेस्ट करने को मिलेंगे उसमें से, और उसकी साइज़ भी अच्छी मिलेगी। आप 12 बाई 12 इंच के गमले में भी लगाना चाहें तो उसमें भी बैंगन आराम से लग जाएगा। उसके बाद दोस्तों तीसरा जो है, आप मिर्च का पौधा लगा सकते हैं। मिर्च भी आपको सीडलिंग से स्टार्ट कर देंगे अभी से, तो आपको अप्रैल तक मिर्च तोड़ने को पौधों से मिलने लग जाएगी। आप देखिए, ये मेरे पौधे हैं, छोटे छोटे पौधों में ढेर सारी मिर्च लगी हुई हैं। आप सभी पौधों में देख सकते हैं फ्लावरिंग हो रही है और कुछ में ढेर सारी मिर्च लगे हुए हैं। तो आप मिर्च लगा दीजिए और मिर्च के लिए भी आपको 12 बाई 12 इंच का गमला कम से कम रखना है। ग्रो बैग जो भी रखें आप 12 बाई 12 इंच का रखें। फिर इसके बाद दोस्तों आप भिंडी लगा सकते हैं। भिंडी के लिए आप, भिंडी दोस्तों आप बहुत ही आसानी से अपने छत पे ग्रो बैग में उगा सकते हैं, जिसके लिए आपको कम से कम 12 इंच गहरा ग्रो बैग लेना है। ये देखिए दोस्तों, ये मेरा जो ग्रो बैग है ये 24 बाई 12 इंच का है, जिसमें मैंने 5 से 6 पौधे एक एक ग्रो बैग में लगाए हैं। अगर आप 12 इंच का ग्रो बैग ले, 12 बाई 12 का लेते हैं तो 1 से 2 पौधा ही लगाएं उसमें। तो दोस्तों, आप भिंडी अपने छत पर लगा सकते हैं फरवरी मंथ में, बहुत ही अच्छी फसल है और 2 महीने के अंदर आपको इसमें से हार्वेस्ट करने को भिंडी मिलने लग जाती है। भिंडी लगाने के लिए दोस्तों आप इसकी सीडलिंग्स चाहे तो डायरेक्ट ग्रो बैग में लगा सकते हैं या फिर आप इनकी सीडलिंग तैयार करके इन्हें ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, भिंडी अपने छत पे फरवरी मंथ में ज़रूर लगाएं। फिर दोस्तों, हम भिंडी के बाद आ जाते हैं कुछ लीफी वेजिटेबल्स पे, जो कि आप अपने छत पर गार्डन में इस समय लगा सकते हैं। उनमें से पहला जो है, जिसे मैं पहले नंबर पर रखता हूँ, वो है धनिया। आप धनिया आप अपने छत पर लगाइए, ग्रो बैग में लगाइए, इस सीज़न में लगाइए। आपको 1.5 महीने के अंदर धनिया हार्वेस्ट करने को मिल जाती है। धनिया के लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा गहरे पॉट की आवश्यकता नहीं होती है, तो आप कम से कम 6 इंच या 9 इंच का गहराई वाला पॉट लीजिए। और धनिया जो भी लीफी वेजिटेबल्स हैं दोस्तों, उनके लिए जो ज़रूरी चीज़ है कि आपको ज़्यादा एरिया जिस ग्रो बैग में मिले वो ग्रो बैग सेलेक्ट कीजिए। जैसे ये मेरा बैग आप देख रहे हैं 9 बाई 18 का है, 18 इंच इसकी गोलाई है और 9 इंच इसकी गहराई है, जिसमें मैंने धनिया लगाया था। इससे मैं 5 से 6 बार इसे हार्वेस्ट कर चुका हूँ। अब ये धनिया मेरी लास्ट टाइम मैं इसे हार्वेस्ट करूँगा और फिर मैं नई धनिया की सीडलिंग्स कर दे रहा हूँ। तो आप भी धनिया लगा सकते हैं। धनिया के बाद दोस्तों आप लगा सकते हैं चौलाई। चौलाई भी दोस्तों आप अपने छत पे लगा सकते हैं। इसके लिए भी आप चाहें तो कोई राउंड शेप में ग्रो बैग ले लें या फिर कोई भी ग्रो बैग लें जिसकी, जिसमें आपको कम से कम 9 इंच की गहराई में मिट्टी मिल जाए, तो चौलाई उसमें आसानी से उग जाती है और ढेर सारी चौलाई आपको हार्वेस्ट करने को दूसरे महीने से मिलने लग जाती है। तो लीफी वेजिटेबल्स में आप चौलाई भी लगा सकते हैं।
बहुत ही पौष्टिक होती है और बहुत ही टेस्टी होती है। दोस्तों चौलाई के बाद आप लगा सकते हैं लाल भाजी, जिसकी सब्जी काफ़ी स्वादिष्ट होती है। ये भी लीफी वेजिटेबल से, इसके लिए भी आपको पॉट साइज वैसे ही चाहिए, 9 इंच की गहराई और जितनी चौड़ाई हो सके उतनी आप लीजिए। तो आप उसके बाद लगा सकते हैं लाल भाजी और आप लगा सकते हैं पालक। पालक दोस्तों बहुत ही पौष्टिक है हमारे लिए, तो आप पालक भी लगा सकते हैं। पालक के लिए भी आपको सेम 9 इंच की गहराई और कम से कम 18 इंच की आप चौड़ाई लीजिए, या फिर आप किसी भी शेप के ग्रो बैग में लगाइए। पालक बहुत ही इजी टू ग्रो है, तो आप पालक लगा सकते हैं। पालक बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तब नहीं होता है, लेकिन आपको मार्च अप्रैल मई तक पालक हार्वेस्ट करने को मिलेगी। आप गर्मियों में भी लगा सकते हैं, पर उसे शेडेड प्लेस में रखिए। फिर दोस्तों आप लगा सकते हैं अभी इस मौसम में गाजर। ये देखिए गाजर मेरी जो पुरानी लगी हुई थी उसमें से कुछ पौधे बचे हुए हैं और बाकी मैंने नई गाजर अपने ग्रो बैग में लगा दी है। तो अभी कल मैंने लगाया है तो इनमें अभी स्प्राउटिंग नहीं आई है, आप देखिए। तो पुरानी गाजर जो दो चार बची हुई हैं वो हैं, बाकी आप गाजर लगा सकते हैं इस मौसम में। तो ये मेरा जो ग्रो बैग है जिसमें गाजर लग रहा है, इसकी हाइट 12 इंच की है गहराई, 12 इंच की गहराई वाले पॉट में आप गाजर आराम से उगा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं कुछ ऐसी क्रीपर्स वेजिटेबल, लताओं वाली वेजिटेबल्स जो आपके छत पे फैल के लगती हैं। तो उनमें आप सबसे नंबर एक पे मैं बताता हूँ, आप घिया लगा सकते हैं, जिसे नेनुआ भी बोला जाता है। दोस्तों घिया, तरोई, नेनुआ, इसे कुछ भी बोलें आप, इसे आप अपने छत पे लगा सकते हैं। 18x18 इंच का ग्रो बैग आप इसके लिए लें और एक ग्रो बैग में 2 से 3 पौधे आप घिया के लगा सकते हैं। और इस प्रकार आप इसे अगर किसी रस्सी या किसी चीज़ की मदद से इसके लिए जाल बना के, नेट बना के उस पर चढ़ा देंगे तो आपको ढेर सारी घिया तोड़ने को मिलेगी। तीसरे महीने से आपके इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है और बहुत ही जल्दी ये मैच्योर हो जाते हैं, फ्रूट्स देने लग जाते हैं। तो आप अपने छत पर 18x18 इंच के ग्रो बैग में या फिर रेक्टेंगुलर ग्रो बैग में जिसकी गहराई कम से कम 15 इंच की हो उसमें आप घिया लगा सकते हैं और इसके पौधे बहुत ही तेज़ी से फैलते हैं। दोस्तों घिया लगाने के लिए आप इसकी सीडलिंग्स जो सीड्स हैं डायरेक्ट भी ग्रो बैग में लगा सकते हैं, या फिर मैं जो करता हूँ आप थर्मोफॉर्म पॉट में इसकी सीडलिंग्स लगाएं और जब इसकी पौधे तैयार हो जाएं तो आप उन्हें 18x18 इंच के ग्रो बैग में ट्रांसप्लांट कर दें, जिससे कि आपके ग्रो बैग को ज़्यादा देर तक आपको खाली रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों घिया लगाइए, ज़रूर लगाइए। नेनुआ के बाद दोस्तों आप इस प्रकार लौकी लगा सकते हैं। देखिए लौकी दो तरह की आ रही है, राउंड शेप और लंबी वाली लॉन्ग विटर गार्ड। तो आप लौकी कोई भी हो आप अपने ग्रो बैग में लगा सकते हैं, जिसके लिए आपको कम से कम 18x18 का ग्रो बैग चाहिए, या फिर अगर आप रेक्टेंगुलर ग्रो बैग ले रहे हैं तो आप जिसकी गहराई कम से कम 15 इंच हो और उसमें एरिया ज़्यादा मिले तो वो भी आप ग्रो बैग लौकी लगाने के लिए ले सकते हैं। फिर लौकी के अलावा दोस्तों हम लगा सकते हैं तरोई। ये देखिए रेसे वाली होती है, रेस गार्ड बोलते हैं तोरी, इसकी सब्जी बहुत स्वादिष्ट होती है तो इसे भी आप लगा सकते हैं। इसके लिए भी आपको 18x18 इंच का ग्रो बैग लेना चाहिए। फिर दोस्तों आप लगा सकते हैं कद्दू। कद्दू के लिए ज़रूरी है कि आप बड़ा ग्रो बैग लें, 24x24 का ग्रो बैग होगा तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि कद्दू की जो जड़ें होती हैं दोस्तों बहुत ज़्यादा फैलती हैं और चूँकि जड़ें ज़्यादा फैलेंगी तो उतनी ज़्यादा इसकी जो उतना ज़्यादा पौधा बूसी होगा और फिर ढेर सारे कद्दू आपको हार्वेस्ट करने को मिलेंगे। तो कद्दू के लिए आप ध्यान रखें कि 24x24 इंच का ग्रो बैग लें या फिर आप 15 इंच की गहराई वाला रेक्टेंगुलर पॉट भी यूज कर सकते हैं इसके लिए। तो कद्दू अपने छत पे लगाएं, एक बार सीडलिंग करके लगा देंगे अभी तो आपको 60 से 70 दिन के भीतर कद्दू में फ्लावरिंग आने लगेंगी और आप 90 दिन के आसपास कद्दू में हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाती है। फिर दोस्तों आप लगा सकते हैं करेला। करेला भी आप अपने छत पे कम से कम 15x15 इंच के ग्रो बैग में एक पौधा या फिर 18x18 इंच के ग्रो बैग में 1 से 2 पौधे करेले के लगा सकते हैं। करेला बहुत ही इजी टू ग्रो होता है दोस्तों, इसको भी आप अपने छत पे लगाइए और ये भी आपको 90 दिन के अंदर हार्वेस्ट करने के लिए मिलने लग जाता है। तो आप करेला लगा सकते हैं अपने छत पे। इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, तो आप लगा सकते हैं सेम फली। सेम फली या आप उसके साथ बीन्स लगा सकते हैं, लोबिया लगा सकते हैं, तो सेम लगा सकते हैं आप। सेम देखिए दोस्तों ये मेरे ग्रो बैग में लगी हुई है, ये 12 मासी सेम है। आप क्रीपर वाली लगा सकते हैं या फिर इस तरह से आप लगा सकते हैं बुश टाइप वाली। तो सेम आप
फरवरी में लगाएंगे, मार्च अप्रैल तक आपको सेम हार्वेस्ट करने को मिलने लगेगी। सेम के लिए दोस्तों आप इसकी सीडलिंग्स चाहें तो डायरेक्ट ग्रो बैग में लगा दें, या फिर इसकी सीड्स से पौधे तैयार करके उन्हें ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आप कम से कम 15 इंच का पॉट लीजिए, 15 इंच गहराई का, 15 इंच चौड़ाई का, तो सेम उसमें आपको बहुत ही अच्छी मिलेगी तोड़ने को। सेम की ही तरह आप बीन्स भी लगा सकते हैं। बीन्स के लिए भी आपको कम से कम 15 इंच का पॉट लेना है और उसमें एक से दो पौधे आप बीन्स के लगा सकते हैं। और बीन्स के अलावा आप लोबिया लगा सकते हैं। लोबिया दो तरह की आती है, एक फैलने वाली और दूसरी आपकी बुश वैरायटी की, तो आप कोई सी भी लगा सकते हैं अपने छत पे गमलों में। कम से कम लोबिया के लिए आप एक पौधा लगाते हैं तो 12x12 इंच के पॉट में एक पौधा आप लोबिया के लगाइए। और बीन्स की भी सेम है, आप इन सब की जो पौधे हैं सीडलिंग तैयार करके उन्हें इन पॉट्स में तैयार शिफ्ट कर दीजिए। ये जो भी लोबिया हो गई, बीन्स हो गई, सेम हो गई, इनके सीड्स जो हैं दोस्तों आप ओवरनाइट भिगा के रख दीजिए और फिर उन्हें लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा फास्ट जर्मिनेशन आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों फरवरी मंथ में आप लोबिया, बीन्स और सेम अपने छत पे लगा सकते हैं और इनसे अप्रैल तक ढेर सारी हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। देखिए ढेर सारी हार्वेस्टिंग मिलती है। फिर दोस्तों इसके बाद बात करें तो आप पुदीना लगा सकते हैं। पुदीना गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है हमारे खानों को, चटनी के लिए या फिर आप किसी भी तरह से यूज करें, पुदीना बहुत लाभदायक होता है। तो आप पुदीना अपने छत पे गमलों में लगा सकते हैं। आप इसके लिए गहराई ज़्यादा नहीं चाहिए तो इनकी कटिंग्स लगती हैं, आप एक बार लगा देंगे तो आपको ये बहुत ढेर सारे फैल के हो जाएंगे, तो आप पुदीना ज़रूर लगाएं। फिर दोस्तों अब लास्ट में हम अपनी लास्ट वेजिटेबल के बारे में बात करेंगे। आप लगा सकते हैं मूली। मूली भी दो तीन प्रकार की आती है, रेड राउंड रेड्स जो कि आप लगा सकते हैं, उसकी मैंने सीडलिंग्स करी, अभी मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। और उसके अलावा जो सफ़ेद मूली होती है वो भी आप लगा सकते हैं। देखिए मैंने लगाई हुई है और कितनी सारी मूली आपको देखने को मिल रही है। तो दोस्तों मूली लगाने के लिए आपको जो ग्रो बैग चाहिए कम से कम 12 इंच गहरा हो, तो आप उसमें मूली बहुत ही आराम अच्छे से लगा सकते हैं और बहुत ही अच्छी साइज़ आपको मूली की मिलेगी। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी साइज़ मुझे मूली की मिल रही है। तो दोस्तों आप मूली लगाइए अपने ग्रो बैग में अभी इस सीज़न में, इस टाइम पे। और मूली आपको दोस्तों 1.5 से 2 महीने में हार्वेस्ट करने को मिलने लग जाती है। ये देखिए आप मूली की साइज़ देखिए कितनी बड़ी हो रही है, तो आप मूली लगा सकते हैं अभी। ये देखिए दोस्तों मेरा ग्रो बैग अभी खाली पड़ा हुआ था, सीडलिंग्स मेरी मैंने सीडलिंग्स लगा रखी हैं, तो जब तक सीडलिंग्स तैयार होंगी तब तक ये मैंने रेड राउंड रेडिस लगा दिया है। जब तक सीडलिंग्स ट्रांसप्लांट करने के लायक होंगी मेरी मूली तैयार हो जाएगी और फिर मैं इसमें लौकी और कद्दू के बीज ट्रांसफ़र कर दूँगा। तो दोस्तों इस प्रकार आप भी अपने छत पर ये कुछ 20 वेजिटेबल्स हैं जो अभी लगा सकते हैं और उनसे ढेर सारी हार्वेस्टिंग अप्रैल मई तक प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।